अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ टमाटर की सब्जी की रेसिपी। ये थोड़ा हैदराबादी स्टाइल है, इसे सालन भी कहते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा वेरिएशन बना के मैंने इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार किया है। सबसे पहले हम 8 से 10 काजू और 1 टेबलस्पून तिल को, यानी कि वाइट तिल मैंने लिया है, उसे 10 मिनट के लिए हम पानी में भिगो के रखेंगे। तो आप 10 मिनट के लिए इसे भिगो के रख दें और भीगने से क्या होगा कि जो हमारा काजू है और तिल है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, आराम से पीस जाएगा। तो हमें इसे अच्छे से फाइन पेस्ट बनाना है। तो अब हम इसे मिक्सर जार में निकाल लेते हैं और इसके साथ ही इसमें हमें डालना है 2 हरी मिर्चें। तो आप तीखेपन के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, कम से कम 1.5 तो चाहिए ही हमें। इसे हमने अच्छे से पीस के पेस्ट बना दिया है, अब इसे साइड में रख दें। पैन में हमने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है और अब इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच जीरा। जैसे ही हमारा जीरा चटकने लगेगा हम इसमें डाल देंगे 2 सूखी लाल मिर्च। अब इसे हमने, मैंने 4 टुकड़ों में तोड़ दिया है और उसे हल्का सा सॉटे कर लेते हैं। तो आंच जो है हम थोड़ा मीडियम रखेंगे ताकि ये जले ना और अच्छे से सॉटे हो जाए। तो जैसे ही हमारे लाल मिर्च सॉटे हो जाएगी अब इसमें डाल देते हैं प्याज। तो मैंने 1 प्याज लिया है, उसे बारीक काट के यूज़ किया है। अब हम इसे अच्छे से सॉटे कर लेते हैं। तो 2 मिनट के लिए हम प्याज को सॉटे करेंगे हल्का सा। जैसे ही वो ट्रांसलूसेंट हो जाएगा हम इसमें मिला देंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो मैंने 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है और उसे अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट तक हम सॉटे करें ताकि जिंजर गार्लिक का पेस्ट अच्छे से फ्राई हो जाए। और जैसे हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट फ्राई होगा हम इसमें मसाले डालेंगे। तो मैंने 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है और स्वाद के अनुसार नमक डाला है। इसे भी अच्छे से सॉटे कर देते हैं और इसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारा जो कैशू का पेस्ट है। तो जो तिल और कैशू का पेस्ट है वो अब हम इसमें डाल देते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करें। अब हमें बराबर चलाते रहना है, अगर हम इसे कंटिन्यूस नहीं चलाएंगे तो जो काजू है वो नीचे से चिपकने का डर रहेगा। तो आप इसे चलाते रहें, कम से कम हमें 3 मिनट तक पकाना है ताकि जो मसाला है वो कढ़ाई छोड़ने लगे, यानी कि अच्छे से फ्राई हो जाए और इसमें से तेल निकलने लगे। तो आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छे से टाइट हो चुका है, इसका जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे मसाले। तो मसालों में हम डाल रहे हैं इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद कम से कम 1 मिनट तक हम फ्राई कर लेते हैं इसे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। तो मैंने 1 चम्मच गरम मसाला लिया है। अब इसे भी अच्छे से आप मिक्स कर दें। आप देख सकते हैं कि मैं इसमें लाल मिर्च नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी हरी मिर्च का यूज़ किया है और उसके साथ ही साथ हमने इसमें पेपर का यूज़ करेंगे। तो अब हम इसमें थोड़ा पानी मिला देते हैं। तो मैंने 1 कप पानी लिया, पानी मैंने उसी जो कैशू तैयार किया था उसी बॉल से लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के बाद इसे हमें कम से कम 5 मिनट तक पकाना है ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छे से ऑयल छोड़ने लगे। तो अब हमने 5 मिनट के लिए पकाया, बीच बीच में हम इसे ढक्कन को हटाकर इसे मिक्स करेंगे, अच्छे से चलाएंगे। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे ग्रेवी जो है वो बहुत स्मूथ हो रही है और चारों तरफ से ऑयल भी निकल रहा है। तो हमें कम से कम इसे 5 मिनट पकाना है, इसलिए बीच बीच में हम ढक्कन बंद करते रहेंगे। अब आप देखिए कि हमारी जो ग्रेवी है काफ़ी थिक हो चुकी है और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और मिक्स करेंगे। तो मैंने 1/4 कप पानी और मिक्स किया है। तो एक बार जैसे ही हमारी ग्रेवी अच्छे से मिक्स हो जाए और उसमें से ऑयल छोड़ने लगे तब हम पानी डालेंगे। अब हमने इसमें जैसे ही बॉयल आने लगा है हम इसमें 1/2 चम्मच काली मिर्ची डाल दिए। तो मैंने आपसे जैसे ही कहा था कि हम सिर्फ हरी मिर्ची और ब्लैक पेपर का ही यूज़ कर रहे हैं और इसमें हम रेड चिली नहीं डालेंगे। तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर दें। जैसे ही जो हमारी ग्रेवी है हल्का सा तेल छोड़ने लगे हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और उन्हें थोड़ा सा बड़ा साइज़ में काटा है और उसे अच्छे से इसमें मिक्स कर देते हैं। हमें टमाटर को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, हल्का सा उसे कुक करना है क्योंकि उससे टमाटर का अपना एक अलग से स्वाद और ग्रेवी का जो टेस्ट है वो बहुत ही बेहतरीन आता है। तो हम इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए ढक रहे हैं। अब आप देख सकते हैं चारों तरफ से ग्रेवी में ऑयल भी निकलने लगा है, मतलब हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसमें गार्निशिंग के लिए डाल देते हैं कटा हुआ हरा धनिया और हमारे टमाटर की जो है ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो गई है। ये थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी रिच है। टमाटर की खटास और कैशू की जो रिचनेस है इस ग्रेवी को बिल्कुल डिफरेंट बना देता है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपने रिव्यूज़ शेयर करें।